कि जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा। और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि आज सीबीआई और ईडी का जो रेड है वो सुबह में आरजेडी के कई नेताओं के आवास पर पड़ रहा था, लेकिन अब खबर ये भी आ गई कि तेजस्वी यादव के नाम से एक मॉल है गुरुग्राम में, वहाँ पर भी जो है सीबीआई का छापा पड़ रहा था। इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने दी, हालांकि जो कहा जाए कि साक्ष्य वो नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर सीधे सीधे कहा है कि जो मॉल की बात कर रहे हैं तो वो मॉल हमारा है ही नहीं, उस मॉल में बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो मनोहर खट्टर जो बीजेपी के सांसद हैं उनका उसमें जो है हिस्सा है, उनका उसमें परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पर हमारी छवि को ख़राब करने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा सुनिए उनके बयान। जो महागठबंधन की जो जीत है वो लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, बाबा साहब की जीत है, अंबेडकर जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, इन सबों की जीत है, इनके विचारधारा की जीत है। जीत एक भाईचारा की जीत है और ये बिहार के लोगों की जीत है। और एक बिहार के लोगों ने एक बार फिर से देश में संदेश दिया है, ये संदेश दिया है सभी लोगों को जो देश को एक रखना चाहते हैं, गंगा जमुना तहजीब को कायम करना चाहते हैं, जो देश की प्रगति चाहते हैं, कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो केवल जुमलेबाजी करती हैं, गरीबों, किसानों, नौजवानों, जो आम नागरिक हैं इस देश के, स्वराज के, उनके ओर कोई काम ना करते हुए उन पे बोझ डालती है, चाहे महंगाई की हो या बेरोजगारी की हो या जितने वादे केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे जो पूर्ण नहीं किए, चाहे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार का स्पेशल पैकेज हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का दर्जा हो, हर एक सेंट्रल स्कीम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया, वो तो सारी बातें आज सदन में हुई है। हम ये कहना चाहते हैं जो संदेश आज बिहार विधानसभा से पूरे देश के विपक्ष को गया है, जो अमन चैन चाहते हैं उन सबको एक उम्मीद जगी है, एक विश्वास पैदा हुआ है। और ये संदेश साफ है कि जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, ये हमारी पुरखों की विरासत हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये साबित हो गया। भय असल में 2024 का है, जो 40 में 40 एनडीए के खाते में था, आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव में 40 में 40 हम जीतेंगे। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए, ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो।